शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेरठ के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने हैंड सैनिटाइजर विकसित किया है। यह हैंड सैनिटाइजर किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन को से बचने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए हम 95% इथेनॉल या रेक्टिफाइड स्प्रिट जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। उसका 950 ml बनाने के लिए 700 ml स्टॉप सॉल्यूशन इथेनॉल का लेंगे और उसमें 1 ml 1 मिलीलीटर नीम ऑयल डालेंगे, 10 मिलीलीटर डिटॉल डालेंगे जो नॉर्मल मार्केट में मिलती है, 0.5 मिलीलीटर क्लोव ऑयल डालेंगे और 238.5 ml नॉर्मल टैप वाटर डालेंगे, यानी पूरे कंटेंट को 950 ml बना लेंगे और उसको आप छोटी बोटल्स में स्टोर करके रख लीजिए और हैंड्स को वॉश करने में के बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा इन हाउस हैंड सैनिटाइजर डेवलप किया गया है। इसमें हम मेजरिंग सिलेंडर में सबसे पहले 700 ml 95% इथेनॉल या रेक्टिफाइड स्प्रिट लेते हैं। ये देखिए ये 700 ml है, 700 ml हमने ये रेक्टिफाइड स्प्रिट ले लिया। अब इसमें हम 10 ml इसमें डिटॉल डालेंगे। ये देखिए ये 10 ml डिटॉल है, ये हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद इसमें हम 1 ml ये नीम का ऑयल डालेंगे। इसके बाद 0.5 ml इसमें हम क्लोव ऑयल डालेंगे। क्लोव ऑयल से क्या है कि एक फ्लेवर आती है और ये एंटी माइक्रोबियल भी है और नीम ऑयल ये भी एंटी माइक्रोबियल है और बेसिकली वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 70% इथेनॉल। पानी दीजिए प्लीज। अब पानी से हम इसको 950 ml इसको मेकअप कर लेंगे। फाइनल कंसंट्रेशन हमारी इसकी 70% अल्कोहल होनी चाहिए। इसको मिक्स करने के लिए खूब अच्छी तरह से अब यदि हमें इसमें कोई और खुशबू डालनी है तो हम इसमें रोज के पेटल्स भी डाल सकते हैं। सिनामोम भी डाल सकते हैं और भी कोई ऑयल जो एंटी माइक्रोबियल हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको हम छोटी छोटी बोटल्स में इनको डिस्पेंस कर लेते हैं। ये लीजिए, इन पर कैप लगा दीजिए, लेबल लगा दीजिए। इनकी हमने एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी अपनी लैब में चेक कर रखी है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी चेक करने के लिए हम लोगों ने हाथ को लिया, हाथ को मिट्टी में लगाया और मिट्टी में लगाने के बाद हमने फिर पेटी डिश के ऊपर उसको लगाया।
वो कंट्रोल हमारा हो गया और उसी तरह से दूसरे हाथ को हमने हैंड सैनिटाइजर से वॉश किया और उसके बाद पेटी डिश पे लगा करके देखा तो 99.9% जो माइक्रोब्स थे वो उसमें फ्री हो गए। ये देखिए इस तरह से पेटी डिश है जिसमें बिल्कुल माइक्रोबायोलॉजिकली फ्री हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसकी ये हमारा दो कंट्रोल, एक ही कंट्रोल और एक ही है। ये बिना हैंड सैनिटाइजर के है जिस पर माइक्रोब्स हैं ये हैंड सैनिटाइजर यूज करने के बाद है जिस पर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं है इसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ। ये जो 70% इथेनॉल हम प्रयोग करते हैं ये 70% इथेनॉल वायरस की स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर देता है। इस वायरस के अंदर आरएनए है, प्रोटीन है और वेरी स्मॉल लेयर के संपर्क में आता है तो एल्कोहल के संपर्क में आकर के फैटी लेयर इसकी डिजॉल्व हो जाती है और जो वायरस की स्ट्रक्चर है वो इसकी डिसमेंटल हो जाती है जिससे ये इनइफेक्टिव बन जाता है। इसी तरह से हम सोप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सोप के साथ भी क्या है कि सोप प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डिजॉल्व कर देता है, प्रोटीन की जो कोट होती है और उसको प्रोटीन की कोट को और फैट की कोट को डिजॉल्व करने के बाद इसको स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर देता है। इस प्रकार से हमें वायरस के इन्फेक्शन से बचाव के लिए हम लोग या तो सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोप से हाथ वॉश कर सकते हैं या हम हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, दोनों ही इफेक्टिव हैं। सोप प्रोटीन्स को और फैट्स को डिसॉल्व करके स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करता है और ये हैंड सैनिटाइजर इसकी फैट को डिसॉल्व करने के बाद इसको स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर देता है। ये हमारी जो हैंड सैनिटाइजर है इसकी अब तक करीब हम 10,000 बॉटल्स प्रशासन को दे चुके हैं और पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और हमारे यहाँ करीब रोजाना काफ़ी मात्रा में। शोभित विश्वविद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, 100 बेड का हमारे पास सेंटर है और इसमें इस समय 96 लोग हमारे यहाँ क्वारंटाइन हैं और उनका अभी दो दिन पहले टेस्ट हुआ है जिस जो 96 थे 96 हमारे यहाँ निगेटिव निकले हैं।